वो कंपनी लौंडी चांद सुनता ना पाकिस्तान की बारिश करती बोल के बोली और वीडियो कॉल करके बताई हमारे को और क्या बोलते घर ऐसा नोटा बता दे गई सब जनों को। सब जने क्या बहुत पैसा है पूरे गरीब लोगों को लेके आओ मैं दे नारे लगाती बोलाती हूँ बेचारे बहुत जने परेशान है हम लोगों को हो रहा मगर दूसरे लोगों को ये परेशानियाँ नहीं आना बोल के भी मैं मैसेज बता रही हूँ। सब सोच समझ के करो अम्मा देखो पैसा की बारिश है बोले कितने की लोगों को फंसाते जा रही है देखो सामने बता रही वीडियो में भी देखो आप लोग और क्या बोलते सो अम्मा उसकी फोटो भी है और हम लोग बोले भी उसको तेरा फोटो पूरा गली में बस्ती में भी डालते हम लोग फोटो बोले तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते बोल के बोली हम लोगों को। बहुत जने फिर रहे उसके वास्ते बहुत जने के लोगों के पैसे ऐसी परेशान कर रही है उन्हें और पैसा की बारिश बोल के पूरे नोट हम बता रही और क्या बोलते सो अम्मा एक को चार करती बोल के ओढ़नी में से पाँच हज़ार को दस दस हज़ार डाल के बताती बोल के कर रही बेचारे बहुत जने तड़प रहे बहुत गरीब लोग परेशान हो रहे हैं वो चांद सुल्ताना को कौन क्या करते कि अल्लाह को मालूम आरिफ भाई का ने आए अब MIM के लीडर हैं सब जने मिल के अब वालेकुम एक शाकिरा बोल के लेडीज है आए तुम लोग आओ अम्मा हम लोग ग्रुप बना रहे ग्रुप में पैसे मिलते तुम लोगों को बोल के पैसे लिए सब जनों के जमा करके दिए हम लोगों को 5 लाख दिलाते लोना बोल के लिए लेके क्या करे उन्हें चले गए उन्हें आए नहीं करे नहीं ये पैसे लेके तीन चार महीने हुए थे उन्होंने नहीं आए लोना दिलाते ग्रुपों के बोल के उन्होंने नहीं आए वो थोड़े दिन के बाद में ये चांद सुल्ताना फो आए आके बोले मैं दिलाती उनका पैसा तुम लोग टेंशन कहीं को ले रहे बोल के बोले और उनके बहन है बोल के बोले उन्होंने बोल के क्या करे उन्होंने चले गए पैसे चले जाके इधर ये उन्होंने छः सात जनों के पैसे लिए शाकिरा उन्होंने चले गए बाद में फिर इन्हों आए हमारे भाई इन्हों बहन आए मैं दिलाती उनके पैसे बोल के बोले बोल के मैं उन्होंने क्या करे एड्रेस दिए शास्त्रीपुरम में रहते आओ बोल के बोले तो शाकिरा चांद सुल्ताना तो फिर उन्होंने क्या करे आओ तुम लोग बोले तो हम लोग गए तो देखो तुम लोगों को एक डेमो बताती हूँ बोल के बताए तो 5000 को 10000 आते देखो अम्मा बोल के बोले तो हम लोग क्या करें क्या है कि देखेंगे बोलते तो सही में 5 को 10000 बताए उन्होंने बताए बाद में क्या करें लोगों को लेके आओ मैं लोगों को लेके आओ बाद में पैसे देती हूँ बोल के बोले डबल हाँ डेमो वो जादुओं से करते करते ऐसा हाथ से हरा के बताए ऊद का धुआं लगाए पैसों का डेमो बताए ऊद का धुआं डाले ऐसा पल्लों के नीचे से ऐसा गिराए पैसे ओढ़नी डाल के हाँ देखे हम लोग हम दोनों देखे बाद में हम लोग क्या करे आई अच्छा बता रहे ना बोल के बोले फिर कहते आदमियों को लेके आना देखो 50000 को मैं 1 लाख करती हूँ 15000 को 25000 करती हूँ बोल के बोले ये चांद सुल्ताना बोले अच्छा। उसके बाद में हम लोग क्या करें अच्छी बात है हम लोग बात करते सोच के टाइम दिया हम लोग को बोलते बोले फिर उसके बाद फोना करने लगे आओ 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 बोले तो बेगम कौन होना शाकिरा को उनके बहन होना फ्रेंडा दोस्ता भाई ना हाँ ऐसा ये शास्त्रीपुरम में हो हाँ घर है फिर उसके बाद में क्या करे हम लोग लेके गए आदमियों को लेके गया ने दो तीन जनों को दिए उन्होंने अब हम लोग लॉकडाउन में जरा परेशान है ना 50 को 10000 तो मिलते ना बोल के गए बाद में सब जनों का नहीं 2 लाख को 8 लाख देती हूँ बोले 50 1 लाख को 3 लाख देती हूँ बोल के बोले 50000 को 1.5 लाख देती हूँ बोल के बोले हाँ चांद सुल्ताना के घर पे दिए अब हम लोग अब देखो 12 लाख रुपये तक है पूरों के मिला के डबल दो तीन जनों को दिए 50 को 10000 करके दिए उतना ही वहाँ से भाग गए हाँ वहाँ से भाग गए भाग के बाद में हम लोग क्या करें अब हम लोग पता नहीं हम लोग फोना करने लगे तो फोना उठा के क्या बोले मेरा भाई का घर है यहाँ पे पहले देती हूँ बोल के बोले शास्त्रीपुरम में तो वहाँ गए हम लोग शास्त्रीपुरम में भाई कहने गए तो हबीब भाई है उन्होंने हम घर में बुलाए अंदर बुला उनके भाई है कहते उन्होंने उनके संगत एक फैजल भी है उनका राइटर फैजल भी है उन्हें भी आया उनको जो पैसे लेते थे थाना उन्हें भी आके क्या बोला तुम लोगों को पैसे देते हम लोग टेंशन न करो बाजी है ना दे देते करते बोल के समझा के करके ठंडा भगा के पिला को करके भिजा दिए 3 महीने का टाइम दिए 3 महीने के बाद हम लोग उसके घर पे गए जब तक उसकी बहन भाग गई घर खाली करके उसके बाद 3 महीने के बाद घर को गए तो कई को आए कौन आ बोल के बोला तुम लोगों को ये सब नाटक हमारे घर पे नहीं करना तमाशे या नहीं होते बोल के बोलते नहीं जी तुम दिलाते बोले कौन वो छिनाल दिलाती कौन वो भोसड़ी दिलाती बोल के गालियाँ दे वो हबीब भाई गालियाँ दे रहे
तो मैं बोली परसों तक बोले तो उन्होंने शरीफ है, अच्छे है, उनकी हस्ती बहुत बड़ी है, उन्होंने दुआ करते हैं, उनके पास जिन्ना आते उन लोगों का मकाम तुम्हारे नहीं मालूम बोल के बोले ना भाई। फिर अभी चिनाल मुस्लिम कई गालियाँ दे रहे, परसों गालियाँ देना था हम लोग जब भी मारते थे उनको बोले तो नहीं नहीं तुम लोग के पैसे आ जाते वो आ जाते डरो ना कहूँ मैं दिला देता हूँ करता हूँ बोले। अब तक एक रुपया दिलाए नहीं, कुछ भी करे नहीं, क्या भी करे नहीं। हाँ कंप्लेंट अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, अभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे आरिफ। अब हम लोग क्या करना कैसा करना बोल के बहुत परेशान थे, परेशान था तो तबीलपुरे में आरिफ भाई हमारे को मदद करते, MIM के लीडर भाई हमारे को मदद करते बोले बोले तो उस लेवल के हम लोग आए आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। अभी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आरिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हम लोग। सलाम अलैकुम, मैं फातिमा बात कर रही, और हमारे को पैसों की लालची में ले लेके आए, गरीबों को लाओ उनको लाओ, गरीब अमीरों को नक्को लाओ बोल के ये चाल सुल्ताना ये शाके राकत ये दोनों गाड़बड़ी खेला खेल के तमाशे करके गरीबों को लूट के गरीबों को पानी दे घुसरा तो मैं मदद करती, घर पे राशन भी जाती, बीमार है सोनों को दुआ पड़ती, मैं सब दुआ पड़ती सब करती बोल के आदमियों को चक्कर में डाल के 12 बजे रात को जिन्ना था भुना था किसको भी रहे अल्लाह वाले को नहीं आए कहते इसको आते कहते आके बैठ के कहते इसको पैसे देते कहते उन्हें कोची इलम पड़ती थी कि क्या जादू करती थी कि सबको गरीबों को लाओ एक लाओ बोल के मीटिंग करके बड़ा ग्रुप कराई, ग्रुप करा के सबको फंसा लेके लंचम को मंचम बोलते नहीं पैसा खा के तख्त पे बैठ के पीछे किसको के लीडरों को पकड़ लेके दादागिरी करी पूछने को गए तो 102 खुद गई दी थोड़े भर दोनों को दी लालूची बताई आस में रखी, आस में रख के क्या करी सबको मुआ बनकर देके गोलमाल होके गड़बड़ करते घर वालों को नको आओ वहाँ नको आओ किसको भी नको लाओ पुलिस वालों का देगा तो क्या करते कौन लीडर क्या करता मैं सब अच्छा अच्छा उनको देख लेती मैं सबको पहचान लेती मैं बोल के बोली बोल के कहाँ से कि कहाँ से कोई मुर्शद करने गई दरगाह में गई कोई कि मैं आयत करीमा का दस्तर पढ़ रही बोली सबको मैं गरीबों को राशन दिलाती मैं तुम्हारे बस्ती में आके इंक्वायरी करती तुम्हारे बस्ती में आके सबकी वीडियो लेती बोली कोसा भी वीडियो नहीं लिए गालियाँ आ रहे मुँह को गालियाँ देना वो तो देते मैं भी दी 1 लाख रुपए तक दी मैं भी दूसरों के भी मिला के मेरे मिला के तुम जिम्मेदार है ना तुम भरोसे के बो के मेरे को दिए अब उन लोगों को तबीयत खराब होकर नहीं आए तो मेरे को भी जाए तो मैं भी आई अब क्या करना मैं बेवा औरत मेरे को घर में आदमी नहीं है मैं पेशेंट औरत मैं हालांकि बोली भी उसको बहुत मक में दुआ पड़ती हूँ नहीं जिन्ना था भुन्ना था पढ़ाई पढ़ के बैठती मैं इलम करती हूँ मैं मेरे कने वो बंगारम खेल खेलते बोलते बैठक का पैसा बोलते वो काम करती हूँ करी बल्कि कैसा भरोसा करे बो तो उन्हें अंतरम मंत्रम करके हमारे को गोल कर दी ना उन्हें मुआ बंद कर दी हाँ घरम घरम को हाँ दिए दी एक जनों को दी एक जन 50,000 50 जनों को 10,000 दी और एक जनों को 50 जनों 50 वो हमारे साथ में के थे तो दी उनको भी अब करीबी है आप लोग जानते हैं करीब की किछे गरीब के छे हाँ दी देखे मैं भी करती हूँ करी तो मेरे को भी दी मैं 25,000 दी तो मेरे को भी दी 35,000 कहीं को झूठ बोलना मगर की दी उन्हें ईमान खराब कर ली सब का पैसा लेके गोलगप्पा कर लेके किसको किसको की डोपे डुबा लेके कर लेके फरार होके घर खाली करके चले गई। अब पूरों का अमाउंट मिला के हमने टोटल करे हबीब भाई कने बोल के 2 महीने के बाद ठहर ठहर के घरों को चक्रा करे नकवा बोली कुफला डाले बोल के राउंडिंग करके आए पूरे जाने ये उनके लीडर है कहते वो शास्तिपुरम रहते कहते उनके भाई है कहते वो कोसा भाई उन्हें क्या बोले कुछ भी नहीं बोले 2 महीने के बाद फिर के हबीब भाई के एड्रेस पे गए तो उनके पास गए एक खुद गए दो खुद गए घर देख लिए कर लिए दूसरी बार गए तो क्या बोले कैकवाया मा तुम लगा घर में रह के दूसरे बच्चों को भिजा के कैकवाया मा तुम्हारे कौन बुलाया ये आके हमारे घर के सामने मैं शरीफ हूँ मैं वैसा हूँ मैं इज्जत नहीं कमाता मैं मुसलमान हूँ मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ मैं ऐसे धंधे में लपवा में नहीं जाता बोल के बोले वो तो खामोश हो गए तो फिर जी भाई तुम ये पहले बात कैको बोले ऐसा फिर आप कहो तो वो छिनाल है वो भोसड़ी है उन्हें कमी नहीं है कौन झगड़ों करने पीछे फिरती हमारे कहने कैको आए तुम जाओ बोल के हमारी इनको जैना बेगम को बोले अब लोग नहीं आना बोल के बोले वो लोग ऐसा करके गोलमाल करके करी तो उन्हें क्या बोले अब मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता अभी मेरे चक्कर में आओ मैं जमीना दिलाता हूँ मेरे में उसमें फंसो तुम लगा बोल के हेल्प करता हूँ बोला आखिरी में गालियाँ दिया फोन ना करते स्विच ऑफ कर लेके बैठ के खामोश हो गए तो हम अभी ठंडे पड़ गए जी बाबा अब कितनी हाँ हम लोग सो फिर के बैठ के खामोश हो गए जी बाबा आप सोच सोच के तबियत खराब हो गई सोफ हो गए इनके भी इन्फेक्शन हो गए दवाखाने में थे सोप करके फोटो भी भिजाए वो कर तो कई को परेशान हो रहे अम्मा कई को हेबत कर रहे मैं बुला के दिलाता हूँ उनको वो करता हूँ बोल के बोले ये नो उसके बाद में यू नो हबीब
बोल के बोले मैं खामोश हो गए। ये उनका भाई है कहते चाल सुल्ताना का भाई। अब बोलने के बाद मैं खामोश हो गए। हम लोग तुम्हारा कोना में डालता वो डालता बोल के एड्रेस दे के कुछ भी नहीं दिया। दो महीने से ठंडे करे हम लोग सब पिलाना सब कर ले के सोच के हम लोग याकूबपुरे के पास आए। आपके लीडर साहब ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे तो वो लीडर साहब यम्मा में लीडर साहब के पास आए। आर्य भाई को पकड़ के हम लोग उनको मदद करो बोल के आए उनके पास। अब उन्होंने क्षमा को क्या करते कि उन्होंने क्षमा को क्या करते कि उनको पकड़ना लेके आना हमारा पैसा हमको दिलाना। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होता बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते आप लोगों को हबीब भाई को उनको सबको करते शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं वारदगुड़े से आया ले आधा हम लोग एक हबीब भाई के पास पैसे दिए थे पूरे 9.5 लाख रुपए। और जो उन्होंने पैसे दिलाते बोले दो महीने के बाद दे तो बेसी कर रहा हो तुम आओ दो महीने के बाद देते बोले। उसके बाद दो महीने के बाद गए तो कहीं के पैसे किसे चलो तुम जाने उन्होंने जाने मेरे को नहीं बोलना है सब मेरे कहने नहीं आना बोल के बोले। लीडर साहब है मैं यहाँ का लीडर हूँ वो सब कुछ भी नहीं होता चलो जो भी है कर लो तुम वसूल कर लो बोल के हमको ऐसा करके परेशान कर दिए। अब ले आता क्या करना है किधर करना हमको समझ में नहीं आ रहा। ये डबल वो चाल सुल्ताना बोल के थे उनके भाई ने बोल के बोले उसको डबल होते बोल तो दिए हम लोग। ये हम लोग वो शाकेरा बोल के एक बाजी है उन्होंने मुलाकात कराए। अब उसके बाद ये शास्त्रीपुरम में रहते तब उन्होंने पैसे दिए पूरे 1500 आदमियों के पैसे 9.5 लाख रुपए तक दिए 12 लाख रुपए तक दिए उनको। अब वो पैसे पूरे देने के बाद उन्होंने बोले हमें डबल करके देती हूँ बोले हम लोग गरीब एक लाख को 2 लाख रुपए करके देती हूँ मैं जादू से करते कारोबार में नहीं बोल रहे उन्होंने क्या बोले मैं कहने जिंदा है आमदनी आती बोल के बोले। अब हम लोग गरीब लोग लॉकडाउन में थे परेशानी में क्या करना था जीना है कहते उनके पास जीना एक काम करती आज रात बारिश होती कहते नोटों की बारिश होती बोल के बोले बोल के हमारे को क्या करे डबल होती बोल के बोले। उसके बाद डबल हुए ना कुछ भी नहीं हुए। अब उन्होंने पैसे नहीं दे रहे अब इतने दिन से क्या करना समझ में नहीं आया। फिर हम लोग आरिफ भाई के पास आए डबुलपुरे के बेचारे कैसा भरोसा करे वो थे ना हबीब भाई वाला सब जने है ना चलो आते ना बोल के हम लोग करके करे दिए कर अब बोले हाँ ये यहाँ रहे शाक्षीपुरम में रहते लीडर है बोल के बोले उन्होंने बेफिक्र रहो मैं तुम्हारे को डबल दिला तो पैसे बोल के बोले पूछे कहीं के पैसे खींचे बोले चलो सब नहीं बोलना यहाँ पे कहीं होके भी कम से कम 4-5 महीने थे तो हमारे को अब हमारे को क्या करना किधर करना नहीं समझ में आ रहा था। तो हम लोग क्या करे आरिफ भाई के पास आए डबुलपुरे के उन्होंने MIM के लीडर है बेचारे उनका हम शुक्रिया अदा करते उन्होंने जो आगे थोड़ा हमारे कोऑपरेट कर रहे तो हम तब आगे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते बोल के बोले हाँ इंक्वायरी करते बोलते बोले हाँ दिए तफसीलात दिए पूरा दिए।